बाबा पर पूरा विश्वास, हमारी आधी कुंजी ढील रहती है, उस दिन कुंजी ढील थी, कुछ कह दिया था। राहुल पांडे सीडीओ भी ईमानदार, एसपी भी ईमानदार, डीएम भी ईमानदार, लेकिन शासन करने का तजुर्बा नहीं पता है। हवाओं के माध्यम से उनसे कहना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मत कुचलो, हम जनता के चुने हुए लोग हैं। जो जनता के चुने हुए लोग होते हैं लोकतंत्र में, बाबा साहब साहब के अंबेडकर के संविधान में मतदाता ही भगवान होता है। देखो रियल, आपको बार बार परेशान किया जा रहा है, हम नहीं कुछ कहना चाहते उस पर। चलिए, कहीं हमने कानून तोड़ा होगा तो हम जेल में है। क्या लगता है आपको, जानबूझ कर परेशान किया जा रहा है? हम भाई कह रहे हैं कुछ नहीं, हमने कानून तोड़ा होगा इसलिए है जेल में। आज भी कानून तोड़ रहे हैं, अगर एसपी की निगाह में लिखा दे मुकदमा। तीसवीं बार जेल में हो, मुझे नहीं परवाह है जेल फिर भी। हमको केवल मतदाता की परवाह है, आप लोगों की परवाह है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। पहले तो बधाई दूं कि चंद समय में आप आए, इसके लिए आपको धन्यवाद। कल अजमेरी तिपत वर्मा का जन्मदिन था और बहुत बड़ा ये हुआ हमारे यहाँ। दुर्भाग्य से हम बाहर होते तो आप सबों को बुलाते। भगवान राम को नहीं मंजूर था कि हम एक देखें, हम जेल में रहे। जेल में भी भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, हमें पता नहीं कहा जी अच्छी लग रहा है। कहीं भी कह सकते हैं। मैं पांचों राज्यों के मतदाताओं को बधाई देता हूं जिन्होंने हम लोगों का घमंड तोड़ दिया जी। और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि कुछ लोग जो निरंकुश थे, आप निरंकुशता से दूर होकर जनता को केवल भगवान माने, मतदाता को केवल भगवान माने, जो घमंड है किसी को, जो मतदाताओं को किसी लायक नहीं समझते थे, हम जैसे लोगों को सबक मिल गया। वर्मा जी कुछ कप्तान को और योगी बाबा सबको दंड देंगे। हम पर आधा घंटे में 4 मुकदमा लिखा गया है। हमने पहले भी कहा था जब जेल जा रहे थे कि 3 पत्रकार साथी जांच कर रहे हैं, अगर गलती निकल जाएगी तो हमको फांसी दे देना। अब ये कप्तान रोक रहा है, वो कप्तान बड़ी चीज है। अरे हमारे मतदाता बड़ी चीज है, आप बड़ी चीज हो यार, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो यार। कप्तान बड़ा है क्या? कप्तान तो नौकर है, नौकर डीएम नौकर है। आप लोग